बढ़ने की लगन और कुछ करने का जज्बा शारीरिक क्षमताओं के परे होता है। कुछ ऐसे ही उदाहरण को पेश करते हुए मजेंटा आर्ट एंड एंटरटेनमेंट एवं मिंस प्रोडक्शन के तत्वावधान में एमआर क्वीन सीजन 4 का सॉफ्ट लॉन्च और ऑडिशन कैफे बेरल नागपुर में किया गया, जहाँ दिव्यांग जनों द्वारा फैशन सामग्रियों को बनाया गया था, जिन्हें परिधान कर प्रतिभागियों ने रैंप वॉक किया। लंबी उड़ान पंख नहीं तो हौसले भरते हैं, मन में लगन हो तो पर्वत भी आपके चरणों में है। बात करें दिव्यांग जनों की तो वर्तमान में उन्होंने साबित कर दिया है कि हर सितम की दवा संघर्ष है और हर जीत का राज हौसला। कुछ ऐसे ही प्रयासों से खुद का एवं देश का भविष्य प्रगल्भ करते युवाओं को मॉम्स फाउंडेशन ने माँ का आंचल तो दिया ही, साथ में उड़ने को पंख भी दिए, ताकि कोई भी दिव्यांग विश्व की प्रतियोगिता में पीछे न रह जाए। उसी तरह मजेंटा आर्ट एंड एंटरटेनमेंट एवं मेंस प्रोडक्शन के तत्वावधान में एमआई क्वीन सीजन 4 का सॉफ्ट लॉन्च और ऑडिशन कैफे बेरल नागपुर में किया गया, जहां दिव्यांग जनों द्वारा फैशन सामग्रियों को बनाया गया था, जिन्हें परिधान कर प्रतिभागियों ने रैंप वॉक किया। गौरतलब है कि एमआई क्वीन ऑफ नेशन इसके पहले अपने 3 सीजन सफलतापूर्वक संपन्न कर चुका है, जहां इस बार वर्तमान इतिहास में मॉम्स फाउंडेशन द्वारा दिव्यांग जन की भी भागीदारी सेशन 4 में की जा रही है, जहाँ दिव्यांग जनों द्वारा बनाए प्रोडक्ट्स पे मॉडल वॉक करते हुए नजर आएंगे, जो कि एक मिसाल के रूप में देखा जाएगा। मॉम्स फाउंडेशन हमेशा ही दिव्यांग जनों को रोजगार देने और आत्मनिर्भर बनाने के लिए तत्पर रहते हैं। उसी तरह इस सीजन के माध्यम से दिव्यांग जनों को रोजगार ही नहीं तो रोजगारदाता बनाया जा रहा है, जो कि काफी सराहनीय बात है, जिसका दारोमदार मॉम्स फाउंडेशन के संस्थापक एवं अध्यक्ष सनी फ्रांसिस संभाल रहे हैं। इस समय बड़ी मात्रा में प्रतिभागियों का उत्साह झलकता हुआ नजर आया, जहाँ इस समय सनी फ्रांसिस एवं उनके सहयोगियों द्वारा इस सीजन का आगाज किया गया। वही दिव्यांग बॉलीवुड अभिनेत्री सुधा चंद्रन का फेस लॉन्च किया गया, जो 1 सितंबर को कार्यक्रम में शिरकत करेगी। गौरतलब है कि इस आयोजन में मौजूद अतिथि पिछले साल के विजेता शिवानी जोशी, गुंजा पिंचा, आकांक्षा चौधरी, कल्पना येलने और शिका पिपलेवर थे। साथ ही ऑडिशन को सफल बनाने में चंदा ओझा ने प्रोजेक्ट को हेड किया, तो वही प्रोडक्शन का समर्थन एनिमस इवेंट्स द्वारा किया गया और साथ ही प्रिंटिंग का समर्थन केपीके साइंस द्वारा किया गया था। इस कार्यक्रम में पूर्ण रूप से सहयोग डेवलप आर्ट्स, जीवा फोटोग्राफी एंड टेस्ट टेक, निशाद चानी और रिहान आदि का रहा। ज्ञात हो कि एमआई क्वीन का ये सीजन बेहद ही रोचक होने जा रहा है, जहां भारत भर में ऑडिशन किए जाएंगे और देश के अलग अलग कोने से मॉडल्स इस सीजन में शिरकत करने जा रहे हैं, जहाँ विभिन्न टास्क इन्हें दिए जाएंगे, जो कि अगले 2 महीने तक चलने वाले हैं, जिसमें मॉडल्स के ओवरऑल व्यक्तित्व को निखारा जाता है, जहाँ बड़े बड़े ग्रूमिंग एक्सपर्ट इन मॉडल्स को ट्रेनिंग देंगे। इस समय मिस्टर इंडिया रह चुके सनी फ्रांसिस एवं एमआई क्वीन के संस्थापक मोनिका ने संयुक्त रूप से इस अभियान को प्रकाश प्रदान किया है और वह दिव्यांगों के कल्याण के लिए कार्य कर रहे हैं। कुछ 5-6 साल से मैं कॉन्स्टेंटली इनके लिए काम करता आ रहा हूँ और मैंने ये बिलीव रखा है कि ये भी चाहते हैं इन्हें इक्वलिटी मिले। ये लेने वाले ना बने, ये देने वाले भी बन सकते हैं। और जिस सोसाइटी से हम अर्न करते हैं, जिस सोसाइटी से हम इतना कुछ लेते हैं, उस सोसाइटी का भी फर्ज होता है कि वो बैक करे और ना कि सिर्फ इनको देने वाले, इनको आत्मविश्वास दें कि इनके बनाए हुए। देखिए मार्केट जो चलता है, मार्केट इमोशन से नहीं चलता है कि किसी के हाथ नहीं थे तो उसने प्रोडक्ट बनाया। मार्केट चलता है फैनेट से। आप लेटेस्ट फैशन क्या बनाते हैं, तो हमारी कोशिश यह रहेगी इनसे जो भी चीजें हम बनवाएं और उनको वेयर करके आप जब वॉक करें तो वो बिल्कुल मार्केट में वाइबल हो और उनका एंटरप्रेन्योरशिप का करियर इस फोरम से बढ़ पाए। और इससे बड़ा मुझे नहीं लगता देश में अभी तक, क्योंकि मैं भी मिस्टर इंडिया बन चुका हूं 2014 से, अभी तक मैंने जितने भी पेजेंट होते हैं इस प्रकार का रेवोल्यूशन नहीं देखा है। दैट्स व्हाई मैंने और मोनिका ने कॉन्स्टेंटली कई बार हम बैठे 2-4 महीने, हमने डिसीजन लिया कि हमको ये चीज अब करनी पड़ेगी, पेजेंट में लानी पड़ेगी। एंड आई होप जितना हम बोल रहे हैं उसका 50% भी अगर स्टेज पर लेके आएंगे तो हम एक बेहतर भारत देख पाएंगे। एनबीसी न्यूज के लिए मनीष टिमड़ी की रिपोर्ट।